एक्चुअली जो ये बोर्ड है वो है ना, ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है ना, एक्चुअली ये जो बोर्ड है इसमें क्या है, नॉर्मल बोर्ड था इसके पहले जो मैंने बताया था, तो उसमें यहाँ पे क्या था, कटआउट था, लेकिन यहाँ पे हमने एमसीबी डाल दिया और इंडिकेटर लाइट बढ़ा दिया। साथ में जो आपके ये ऑन ऑफ स्विच है ये विदाउट इंडिकेटर लाइट है, और मैंने जो नीचे यहाँ लगाया है चार ऑन ऑफ स्विच ये विथ इंडिकेटर लाइट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी ऑन ऑफ स्विच विथ इंडिकेटर लाइट, आईएल का मतलब होता है इंडिकेटर लाइट। ये आपकी एमसीबी है, एमसीबी का शॉर्टकट ये दिखाऊं मैं, एमसीबी इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा से छोटा, सर्किट का मतलब होता है शॉर्ट और ब्रेकर का मतलब होता है टूट जाने वाला, यानी कि एमसीबी एक ऐसा उपकरण है जो छोटे से छोटे शॉर्ट पर क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, यानी कि टूट जाता है। टूटने का मतलब ये पूरा नहीं ब्रेक कर जाता, सीधा क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक ना, तो ये ट्रैप कर जाता है, गिरने को हम बोलते हैं ट्रैप करना, तो ये ट्रैप कर जाता है। बाकी ये इंडिकेटर लाइट आप जानते ही हैं, इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, यानी कि आपको सूचना देता है घर में लाइट है कि नहीं है। तो चलिए अब इसकी वायरिंग करते हैं। यहाँ पे हमने एक अब डाल दिया बॉडी अर्थ, और बॉडी अर्थ का कैसे बनाते हैं, इसका फायदा क्या होता है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ। तो बॉडी अर्थ कहाँ डालते हैं, कभी भी इसके बीच वाले, यानी कि थ्री पिन सॉकेट के तीसरे सिरे में हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थ को डालते हैं। इसका कलर या तो ग्रीन देंगे या तो येलो। अब चलिए वायरिंग करते हैं। सबसे पहले फेस का ही करते हैं, फेस को लेके जाएंगे एमसीबी के ऊपर वाले में, ठीक ना। अगर नाम अगर उल्टा लिखा हो तो नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में करेंगे, उल्टा करेंगे ट्रैप नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये जो आपका फेस है ये फिर से इंडिकेटर लाइट के एक सिरे में लगा देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम फेस को प्राप्त करेंगे, एमसीबी कटआउट भी जैसा ही काम करता है, लेकिन कटआउट अगर वैसा लोड नहीं मिला तो नहीं ब्रेक करेगा, लेकिन ये शॉर्ट पे तुरंत ब्रेक कर जाता है, और ये थोड़ा महंगा पड़ता है कटआउट के फेस पे। अब चलिए इसको करते हैं। तो ये स्विच है, स्विच को क्या देंगे आप, फेस देंगे, ये भी सारे स्विच है लेकिन इंडिकेटर लाइट के थ्रू है तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, बस क्या होगा यहाँ भी फेस आएगा इनके सारे के साथ निचले सिरे में। तो देखिए जब हम वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे जितने भी निचले सिरे हैं इनको हम फेस दे देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए इस वाले को देख रहे हैं, ये वाला स्विच। अब जब हम इसकी वायरिंग करेंगे तो ये कब चालू होता है, जब ऑन करते हैं तब, ये सिस्टम होता है ना। तो एक तार को यहाँ पे दिख रहा है, इसमें लगाएंगे इसका एक वायर, इसमें लगाएंगे इसका एक वायर, इसमें लगाएंगे और इसका एक वायर इसमें लगाएंगे, बच गया सबके एक वायर। अब क्या होगा, इन सारे लोगों को बाहर निकाल लेंगे ऐसे, ठीक ना, और इनको सारे को एक साथ जोड़ देंगे, सारे को एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक ना, और इनमें डायरेक्ट न्यूट्रल दे देंगे। समझ में आ रहा है, जब इसको चालू करेंगे फेस इसको मिलेगा न्यूट्रल, डायरेक्ट मिलेगा ये जलेगा, ठीक ना, जब तक ये स्विच ऑफ होगा इंडिकेटर लाइट नहीं जलेंगे। इनका कलर हो सकता है ग्रीन हो सकता है ब्लू हो सकता है रेड हो, तो तीन चार कलर में आपके ऐसे स्विच अवेलेबल होते हैं, ठीक ना। तो कुछ लोग लगाते हैं मॉड्यूलर बोर्ड में, ये मॉड्यूलर बोर्ड में ऐसे स्विच प्रयोग होते हैं, विदेशों में काफी मात्रा में ऐसे स्विच प्रयोग होते हैं, अब तो यहाँ भी हो रहे हैं अपने यहाँ भी तो करते हैं लोग। अब इसका हो गया न्यूट्रल का वायरिंग, तो बाद में करेंगे, इसमें इसको छोड़ना। अब देखिए फैशन क्या यूनिट कौन देखता है ना भाई, सो पीस चाहिए अच्छा चाहिए तो करते हैं लोग। अब अगर वायरिंग कराएगा लोग तो करना पड़ेगा ना आपको, तो आपकी उस तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि आ गया तो कहेंगे हम करते ही नहीं है, दिक्कत होगा ना फिर, इसलिए। चलिए समझ लीजिए, अब यहाँ से देखिए क्या किए, ये वाला फेस हमने इसको दिया और ये वाला फेस हमने इसको दिया, इसको जब चालू करेंगे तो इसको फेस मिलेगा, इसको जब चालू करेंगे तो इसको फेस मिलेगा। यहाँ से हम आउट करके फेस को ले चले जाएंगे एक फैन को, नहीं इसको हटा के सर तार कटेगा ना, इसलिए हम इसको दे देते हैं यहाँ से और इस वाले से उस वाले फैन को, है ना। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, फेस तो खत्म हो गया, यहाँ पे बच रहा है इसको कनेक्शन करना है ना, तो फेस का हम कनेक्शन एक यहाँ पे कर लेते हैं और इस वाले से यहाँ पे कर देते हैं। अब ध्यान दे क्योंकि इसमें तार थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर भी लग गया है ना, इसलिए अब इनको इनके लिए हम दो वायर निकालेंगे इनसे, है ना, यानी जब इसको चालू करेंगे तो इसको सप्लाई मिलेगी, इंडिकेटर को सप्लाई मिलेगी। अब जब इसको और इसको हम दो तार यहाँ से निकाल देंगे, और ये सीधा चला जाएगा बल्ब के पास।
एक एक सिरे में दे देंगे इसको। अब हमारा फेस का सप्लाई खत्म। अब आते हैं बॉडी अर्थ का वायरिंग, है ना। तो बॉडी अर्थ वाले वायर को येलो या तो ग्रीन लगाएंगे, एक इसमें दे देंगे और एक इसमें। तो यहीं से लेके जाएं। बहुत ज्यादा तार है, तार तो बढ़ेगा ना, जब आप सिस्टम बढ़ाएंगे तो वायर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखिए, अब न्यूट्रल, न्यूट्रल लेके आएंगे, यहाँ पर देंगे और न्यूट्रल यहाँ पर देंगे। और ये न्यूट्रल दिख रहा है ना यहाँ वाला, ये न्यूट्रल सीधा इसमें जोड़ देंगे। अब जब इसको हम ऑन करेंगे तो मिलेगा फेस इसको और मिलेगा फेस इसको, न्यूट्रल मिलेगा, ये भी जलेगा और ये भी काम करेगा। जब इसको बंद रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, नहीं ये काम करेगा। अब लाते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल लगाएंगे इसमें, ये सिग्नल सारे के सारे सिरों में ले चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहीं से अगले फैन को और फिर यहीं से जोड़ करके चले जाएंगे नेक्स्ट फैन को, ठीक। अब बचा इंडिकेटर लाइट, और क्या बचा है यहाँ पे देख रहा है ना, इसको हमने फेस न्यूट्रल नहीं दिया है तो इसको भी न्यूट्रल देंगे यहाँ पर, और ये न्यूट्रल इसको आएगा तो आप न्यूट्रल यहीं से चले जाइए। एक बार क्या, जब यहाँ ज्यादा तार होते हैं तो जब जोड़ना पड़ जाए तो करते क्या है कि इसमें अच्छा सा वायर लगाते हैं, उसको यहाँ पे छील लेते हैं, छीलने के बाद सारे सारे उसमें तार जोड़ के और एक बार क्या कर देते हैं उस पर टेप मार देते हैं, ठीक है। जब ज्यादा न्यूट्रल निकालना हो तो यह नहीं कि इसमें जाने जाए, जब ऐसे घुड़े घुड़े उसको जोड़ेंगे तो फिर वो न्यूट्रल सही से ढीला रहेगा, फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते, इस तरीके से कर सकते हैं कि जोड़ लेंगे, चार पाँच जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका कनेक्शन होता है। एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले फेस का हमने कनेक्शन किया, तो फेस के लिए क्या किया हम, फेस को ले गए एमसीबी में, एमसीबी से आउट करके इंडिकेटर लाइट को, यानी कि गारंटी है बिल्कुल लाइट अगर तो जलेगा, यहाँ से एमसीबी से पास करके स्विच में, स्विच में आ जाएगा, स्विच से होके कहाँ आ जाएगा, टोटल इनके स्विच में, यानी कि जितने भी स्विच होंगे फेस डायरेक्ट, देख लीजिए फेस आया, फेस पाप होकर इस स्विच में, स्विच से इन सारे स्विचों में जो हम रूल बता चुके हैं। अब इनको कभी भी नीचे नहीं डालेंगे तो ये लगातार जलते रहेंगे, ठीक ना। इसको ऊपर वाले में ही लगाएंगे इंडिकेटर से पाप करके, ये देख रहे हैं ना स्विच के इंडिकेटर वाला, सबको ऊपर लगाए ताकि हम जवान के तब इसको फेस मिले तभी ये जले, नीचे में लगा देंगे तो लगातार जले रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऊपर वाले में इनको लगाते हैं। इसके बाद अब क्या होगा, अब आपका ये थ्री पिन सॉकेट है, इसका तो फेस खत्म, इस वाले का फेस क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ दे दिया और इसका फेस यहाँ दे दिए, तो जितने उपकरण है इसके लिए यहाँ दे दिए और इसके लिए यहाँ दे दिए, बाकी जो बल्ब का है, एक बल्ब का देखिए यहाँ से लेके आ गए इसको दे दिए और एक वाला यहाँ से ला के इसको दे दिए, ठीक ना। तो हमने टोटल स्विचों से कनेक्शन किया है, बाकी बॉडी अर्थ यहाँ लगा दिए और एक यहाँ, जहाँ जहाँ थ्री पिन सॉकेट और भी होगा तो उसको लेके चले जाएंगे, ठीक ना। और न्यूट्रल आप देख रहे हैं, एक न्यूट्रल यहाँ लगाया और इस नहीं न्यूट्रल सबको हम पाप लेके आए, एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए, एक न्यूट्रल यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि जितने भी उपकरण लगे हैं सबको एक एक बार न्यूट्रल देंगे, तो इस तरीके से आपकी वायरिंग होगी, ठीक है भाई। किसी को दिक्कत, ठीक है, अभी बहुत